दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी मुखी मनजिंदर सिंह सिरसा नूं कमेटी अंदरली बद इंतजामी दे घेरदिआं बुलंद आवाज विच पंथक मसले चुकण वाले सरदार परमजीत सिंह खुराणा ने गुरद्वारा बंगला साहब तों गुरबाणी दे प्रसारण राही हुंदी डिजिटल माध्यम राही कमाई सिरसा दे खाते विच जाण ते तिखे तंज कसदिआं इस नूं पैसे दी अन्नी भुख करार दित्ता है। नाल ही सिरसा साहब दी वीडियो सांझी करदिआं उन्हां वल्लों संगत राही सेवा सौंपे जाण दी दलील ते सवाल चुकदिआं चोणां जितने लिए उन्हां वालों वरते तौर तरीके एक एक करके गिणवाए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कई बारी इंसान की पेट की भुख जिहड़ी है वह वक्ती तौर पर कुछ खाण नाल मिट जाती है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होंगे ने जिन्हों की नीयत की या उन्हों की अखा की भुख शायद कभी नहीं मिटती। भावें वह 10-20 हज़ार 25 हज़ार 50 करोड़ का मालक क्यों ना हो, भावें वह साल का 2-2.5 करोड़ रुपया इनकम टैक्स क्यों ना देता हो। मैं गल कर रहा हाँ सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा के बारे च, जो कल तो सोशल मीडिया ते एक सवाल उठाए जा रहे ने, एक कुछ वीडियो वायरल हो रही ने जिदे विच गुरद्वारा बंगला साहब तो जो लाइव प्रोग्राम यूट्यूब पर आता है वो एवज जड़े पैसे जड़े ने सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा के अकाउंट आ रहे हैं वो बारे में मैं गल करना चाहता हाँ। जिमें कि अज हर मनुख हर शख्स यह सवाल चुक रहा है कि भी तकरीबन $1,00,000 दो साल के सिरसा जी के अकाउंट ही जा चुका है। मैं इस गल की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन जो सवाल चुके जा रहे हैं वह हर गुरु नानक नाम लेवा सिख संगत के हिरदियां नूं ठेस पहुँचाता है। भाई एक इतनी वड्डी पोस्ट के उत्ते एक बंदा बैठा है और इतना अमीर आदमी है, अगर वह यह गलत काम कर रहा है तो बड़ी दुख की गल है। मैं कल सिरसा जी की एक वीडियो देख रहा सा जिदे सिरसा जी कह रहे थे भाई वाहिगुरु ने साड़ी झोली सेवावां पाईयां ने। मैं संगत को बेनती करांगा पहले तुम इस वीडियो को सुनो, फिर उस तो बाद मैं आप जी अगे गल करांगा। गुरु साहब ने आप ही सेवा बख्शी है और ये सेवा निभाऊंगा। दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान के रूप अंदर मैनू सेवा जो बख्शी है ये सेवा गुरु ने दिती है, उस मालिक ने मेरी दास की झोली खैर पाई है और ये सेवा मैं उन तक निभाऊंगा जो तक गुरु साहब इन्हें मेरी सेवा मैनू निभाने की इजाजत देंगे। संगत जी जिवें आप जी ने सुनिया भी सिरसा जी कह रहे हैं भी वाहिगुरु ने साड़ी झोली च जो सेवावां पाईयां ने, कि वाकई यह सेवावां वाहिगुरु ने पाईयां ने या यह सेवावां कब्जे किए गए ने, कब्जे नाल लईयां गईयां ने? अगर वाहिगुरु ने पाईयां सी तो फिर एक सवाल का जवाब दिओ बई मोटरसाइकलां LED TV जदों उस वेले वंडे गए सी, सिलाई मशीन और कुकरां दी ते गिनती दी गल ही छड्ड दिओ, और जो उस वेले शराबां वंडियां गईयां सी कि इह सेवावां वाहिगुरु ने दित्तियां सी तुहानू या कब्जे किए गए सी? मैं सारी संगत नूं इह बेनती करना चाहांगा कि आप जी दसो बई इह सेवावां वाहिगुरु ने झोली च पाईयां सी या कब्जे किए गए सी? जो सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी दिल्ली कमेटी के जनरल सैकटरी की सेवा कर रहे थे, तिगड़म लगा के जो उन्होंने प्रधानगी की सेवा ली यह भी वाहिगुरु ने नहीं की सी, तिगड़म और जो काला माला किया उन्होंने करके उन्होंने प्रधानगी की सेवा मिली सी। मैं खैर इस विषय पर नहीं आना चाहता, मैं इस विषय पर फिर किसी टाइम गल कराँगा, लेकिन मैं आप जी को दसना चाहता भी यह जो सेवावां कीतियां ने, मैं एक गल दसदा जो कुदरत का असूल है, जदों इंसान गेंद नूं दीवार ते मारदा ना उह मूंह ते आके लगदी है। अज उही हालात बन रहे ने, वह जिहड़ी बॉल है वह सीधा आके इन्हां दे मत्थे और इन्हां दे मूंह ते लग रही है, क्योंकि वह सेवावां कब्जा कीती होईयां सी। जे सेवावां वाहिगुरु ने सच्चे पातशाह ने वाकई झोली च पाई होंदी ना, अज इह दिल्ली कमेटी दे हालात ना बणदे। अज टीचरां नूं जो अपनी तनखावां लैण वैसे जो जद्दोजहद करनी पै रही है, पिछले दिन देखिया होना तुसीं रकाबगंज साहिब कुछ साडियां भैणां कुछ साडियां मातावां कुछ टीचर जड़ियाँ उत्तर सारी रात धरना देंदिया रही, इतनी गर्मी के असी एसिया च अपने कमरे सुते रहे, वह बेचारियां दरिया उत्ते बैठिया रही, कि उन्होंने बच्चे कि उन्होंने पति कि उन्होंने माँ प्यो घर इंतजार नहीं कर रहे होने? उन्होंने फिर भी इन्ना कुछ करने के बावजूद भी सिर्फ 60% तनखा अप्रैल की मिली, बाकी 40% का वायदा किया गया जी स्कूल तो मिलेगी। तुहानू शायद संगत जी पता ही है नहीं पता, हफ्ता 10 दिन पहले फिर सारी टीचर हेमकुंड कॉलोनी की इकट्ठी हो गई और प्रिंसीपल के कमरे चली गई, प्रिंसीपल ने हाथ खड़े कर दिते और मैडम ने फिर जबरदस्ती कुलवंत सिंह बाट जी ने फोन किया। बाट साहब ने पूछा भी कितना बैलेंस है, 10-12 लाख बैलेंस की गल की गई तो 20% फिर उन्होंने तनखावें रिलीज की गई, यानी कि अप्रैल की 20% की तनखा अज रह गई है, मई की 60% मिली 40% रहेगी, जून जुलाई अगस्त की तनखावें अजे पईयां ने। कि यह सेवावां तुहाडे कोल वाहिगुरु करवा रहा है? नहीं, जिहड़ा तुसीं पहले इत्थे काला माला गोलमाल कीता है वह सारियां कीतियां सामने आ रही ने। मैं अक्सर
मस्कीन साहब की गल करदा वा, मस्कीन साहब कहंदे ने नरक ते स्वर्ग सब धरती ते ने, इह नरक स्वर्ग सब सामने आ रहे ने। अज जो गुरुद्वारा बाला साहब का हॉस्पिटल का हाल है, मैनू बड़ी सुन के हैरानगी होंदी और हसी भी आती है। बई मैं पिछले दिन सिरसा साहब की एक वीडियो देखता पा, सिरसा साहब कह रहे थे बाला साहब हॉस्पिटल में वेच दिता सरना साहब ने और असी बड़ी जल्दी आता खुलासा करांगे। मैनू हैरानगी होंदी इस गल की देख के। बई मैं पिछले हफ्ते रकाबगंज साहब गया तो रकाबगंज साहब जोड़ा घर के कोल बाबा हरबंस सिंह जी की स्वरूप की बोर्ड लगा के और उद्दे पूरा बाला साहब हॉस्पिटल का दोबारा बनाने का गल लिखी गई है, उद्दे थले अकाउंट नंबर लिखे गए हैं। जे तुसी हॉस्पिटल वेच दिता सरना साहब ने तो फिर तुसी दोबारा किवें बना रहे हो? कागज तुहाडे कोल पए ने, जमीन तुहाडे कोल पई है, बिल्डिंग तुहाडे अंडर हैगी है, फिर हॉस्पिटल कितों वेच दिता? इसका मतलब तुसी सब एक ऐसी ब्योंद बना रहे हो, एक ऐसा तमाशा दिखा रहे हो भी जरा सामने वाला जिम्मे मदारी तमाशा दिखाता तो सामने वाला ताड़िया मारता और पैसे देता वे, तुम वही हालात बना रहे हो। मैं तुम्हें बेनती करना चाहवागा भी जो छोटिया तो लैके व्डिया तक जो घटनावान जो हालात दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो रहे हैं, मैं संगत जी को बेनती कराँगा, संगत जी थोड़े सामने सब सब इन्हों के काले चिट्टे ने। आने वाले वक्त मैं तुम्हें बेनती करना चाहवागा भी ऐसे मैंबरों अगे लैके आओ जिहड़े भावें घरों इतने रजे ना हो लेकिन उन्हां दी अखां उन्हां दी नीयत उन्हां दी आत्मावां रजियां होण, उन्हां नूं लगे भी इह गुरु घर दा पैसा है, असीं एक रुपया ना खाणा ते ना खाण देणा है। इहे जिहे मैंबरां नूं तुसीं सेवावां देवो। फुलजुग दिखी मां, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जेकर तुहानूं साडा इह उपराला चंगा लगा है तां इस नूं लाइक करो, शेयर करो अते साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो।